वही लेकिन उसमें हम टेक्नोलॉजी लेकिन यहाँ एक चीज खास बात है कि इंट्रैक्शन अभी भी रियल है यानी कि टीचर भी है और स्टूडेंट भी है और मशीन है ऐसा कोई मशीन नहीं लेकिन साइबर बॉडी है अब उसका नाम ही हो गया साइबर यानी कि उसमें आप इंटरनेट की सारी फैसिलिटी क्या होगी जुड़ी यानी कि अब ये जो साइबर बॉडी जो होगी मे बी इसकी जो फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी ना टीचर होगा ना स्टूडेंट होगा बट दे विल बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क वर्चुअल ये कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन जो फॉर्म है वो फॉर्म है वन टू मेनी मेनी टू मेनी तो ये जो मेनी टू मेनी वाला कंसेप्ट है ये आने वाला है सर एक ही टाइम में बहुत सारे टीचर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे वहाँ हमको इंटरेक्शन तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा क्या हो जाएगा और ये फैक्ट है जैसे जैसे मशीन जुड़ेंगे इमोशनल टच वाला टीचर कम होता है मेरे दो टीम प्रोफेशनल जो है हम जो भी लाए उनके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि मशीन को इतना ज़्यादा हमको इनसेंसिटिव बना दिया कि रोड एक्सीडेंट में जाते हैं तो हम उसकी पहले वीडियो बनाते हैं बजाय उसको कोई हेल्प पहुँचाते हैं हम इतने इनसेंसिटिव हो गए और ये सब बात हो भी नहीं तो मशीनों में जो हमारा जो होमो सैपियंस सैपियंस एंड सैपियंस होंगे हमारे जो सक्सेसर होंगे यानी कि आपसे आपकी जनरेशन छोटी उससे अगली जनरेशन तो उनके साथ जो सेंसिटिविटी के इशू होंगे वो बड़े रेस्पॉन्सिबल बहुत सेंसिटिव उनमें इमोशंस कुछ होंगे इमोशंस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि माँ बाप से उनका कोई कॉन्टैक्ट रहेगा नहीं भाई बहन से कोई कॉन्टैक्ट होगा रहेगा नहीं आप हर चीज़ को तो वर्चुअल बना रहे हैं क्लास में जो इंटरेक्शन था उसको भी आपने क्या कर दिया वर्चुअल कर दिया तो जब आपका और मेरा इंटरेक्शन ही नहीं है ना मैं आपको देख रहा हूँ ना मुझे देख रहे हैं तो फिर हमारे बीच में कोई इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं और जब नहीं होना है तो फिर जो हमारी जिसमें भी प्रोसेस पहले चल रहा था वो आप सर्वाइव कर रहे हैं अब उनको नए चीज़ से सोचना है नए तरीके से सोचना है स्ट्रेस की प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है मेंटल है उनकी प्रॉब्लम हमें उनको सॉल्व करना है स्टूडेंट इतना एग्रेसिव क्यों आप देखिएगा बच्चे इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं आप अपने घर में देखिए अपने से तुलना कीजिए आप जब से उनकी उम्र में और अब ये हैं इतने छोटे पर तो कितना डर है एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा अमेरिका में एक खिलौना कंपनी थी उसने खिलौना बनाया अमेरिका में जो डेथ सेंटेंस है वो दो तरीके से दी जाती है पट्टी दर्द जिसको बोलते हैं या तो इलेक्ट्रिक चेयर पर बांध देते हैं उसको बैठा देते हैं इलेक्ट्रिक चेयर पर बांध देते हैं और करंट छोड़ के उसको बांध देते हैं या तो गैस से बांध हैं उनको क्या फांसी मसीह को उस खिलौना कंपनी ने वायर बनाया उसमें चेयर थी बिल्कुल वैसी जैसे कि वो लोग यूज़ करते थे और उसमें एक आदमी उन्होंने बनाया बैटरी प्रिंट होती थी उसमें और बच्चों को रिमोट दिया हुआ था रिमोट दबा देते थे उसमें करंट लाइट जाती थी उसमें और वो आदमी चढ़ाता था खिलौना जैसे आप लोग भी देखते होंगे खिलौना चलाते थे और बच्चे बड़ा इंजॉय करते थे वो चीखता था आवाज निकलता था जैसे गाड़ी लगता था चीखता था वो खिलौना इतना फेमस हुआ इतना फेमस हुआ रात और आज किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से मॉल एकदम बिक गया मार्केट में क्योंकि माँ बाप को भी नया था उनका तो बच्चा है बच्चे के लिए हम लोग अनजाने में कितनी चीज़ें हमको ऐसी परोस रहे हैं लाड़ में प्यार में हमको जो हमको बाद में एहसास देते खरीद के उन्होंने देख लिया बच्चे जो है सबको एंजॉय करते हैं बाद में उसका इफेक्ट नहीं होगा धीरे धीरे कि बच्चों ने उसका रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना जैसे कि आपके बाद उनका शक्तिमान के बाद भारत उस एपिसोड को रोका गया अभी रोका गया था उसको लेकिन रुके हुए एप्लीकेशन ऑनलाइन गेम था अभी अरे काफी बड़ा बच्चों का बड़ा फेमस है वो नहीं कुक में नहीं वो जो पालक खाता रहता है वो अरे सॉरी बबीता बबीता और अभी कुछ दिन पहले सिंह चैन डिटेक्टिव सिंह चैन उसका जो ब्रॉडकास्ट था वो दिया गया था इंडिया क्योंकि उसकी शिकायत ये आई थी कि वो एवरीथिंग करता था अब बच्चे एवरीथिंग ठीक है लोगों ने शिकायत की उसको कुछ दिन के बाद बंद कर दिया गया उसके बाद में उसको कंडीशनल उसमें देखे उसको फिर शुरू किया गया यही हुआ था शक्तिमान के टाइम में और यही हुआ था अमेरिका में साइकोलॉजी किस तरीके से बच्चे की चेंज हुई हम अभी भी कर रहे हैं कैसे कर रहे थे ये बचपन से ही हम उसको आदत डाल रहे हैं सभी के साथ है हमारे पास जितने ये टॉयज अवेलेबल हैं इस समय पर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक अभी आप देखते होंगे वो ड्रोन आ गए बच्चों के
प्लान है, ये सब आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप प्रोवाइड करो। हमने उनको फील्ड में जाने से रोक दिया। आप हम सबको ध्यान दीजिएगा, हम सबको मैदान में ये जनरेशन मैदान में नहीं, इसमें ये भी पता बगल में बैठे बच्चे हैं या नहीं। आपने उसको प्ले स्टेशन दे दिया तो वीडियो गेम खेलता है, दिन भर खेलता है। आपने उसको मोबाइल दिया वो उसमें वीडियो गेम खेलता है। आप और हमको खेले गए रेल में मिट्टी में वो उछाले हैं, आँखों में डाले हैं, हटे लिए हैं, नहाए उनको, सब कुछ किया। और मैं तो कहूँगा कि हम लकी हैं कि हम उन्होंने फील्ड में खेला, उन लोगों ने नहीं। तो जो एलिगेशन है वो वहीं से आ रहा है, वो हर चीज़ को रिमोट से कंट्रोल करना। अभी कार को करना है, कार को आगे दौड़ाता है, पीछे दौड़ाता है, टकराता है, बचाता है, घुमाता है, ये करता है, वो करता है। वीडियो गेम्स आपसे अच्छा आपके बच्चे खेल रहे, आपको समझ नहीं आएगी, वो खेल रहे। मेरे घर में मेरा भतीजा है 4 साल का, उसके माँ बाप हर तीन का पासवर्ड लगा सकते हैं मोबाइल पर, खोल लेता है एक बार दिखता है बस आग घूम करके, मतलब 4 साल अब वो पासवर्ड लगाते ही मोबाइल में क्या करें हार। तो वो इतने एडवांस है, सोचिएगा बड़ा हो गया वो क्या करेगा। तो हम उनको एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की टेंडेंसी उनमें आ रही है। और ये वजह है कि वो ये चाहते हैं कि बड़ा होकर माँ बाप भी मेरे कंट्रोल में रहें और टीचर भी मेरे कंट्रोल में, इनका भी रिमोट होना चाहिए। जब हम चाहें टीचर बोले और जब हम चाहें नहीं, यही वजह है एजुकेशन। आपका तो नहीं पता ना, खूब बेटा होना है स्कूल जबरदस्त सारे आप भी और क्लास भी, लेकिन उनको दिक्कत आज आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं, स्कूल के तो छोड़ ही जेल करवा देगा आप अपने बच्चे से नहीं। ये हम ये जो एक परंपरा हम ला रहे हैं वेस्टर्न की, और यही बच्चे जब क्लास में आते हैं यही बच्चे टीचर भी बनेंगे कल बड़ा होगा, ये बच्चे कल लॉयर बनेंगे, IAS बनेंगे, और यही एजुकेशन धीरे धीरे क्या होगा वो आगे बढ़ेगा। तो इमोशन टच हो रहा है वो पता धीरे धीरे क्या होगा, ये सब टीचिंग का देखना है। और यही वजह है कि स्टूडेंट अनबेस्ट है, क्लास के बाद क्लास खा रही, गवर्नमेंट बार बार कह रही है अटेंडेंस डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, नहीं आ रही। जहाँ कहीं भी अटेंडेंस की बाध्यता नहीं है वहाँ कहीं भी स्टूडेंट क्लास में नहीं। मेरी यूनिवर्सिटी में भी आते हैं सब इस वजह से क्योंकि 75% से कम पे हम उनको बैठा नहीं सकते, बैठाते नहीं। अब वो आते हैं 75% अटेंडेंस पे और बाकी 25% बचती है उसमें 5 नंबर। तो मैं तो बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ कि बच्चों तुम लोग जो आ रहे हो यहाँ पर किसके लिए आ रहे हो, 5 नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए तुम मुझे 60 घंटा दे रहे हो अपनी जिंदगी का, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जितनी क्लासेस तो तुमने 60 घंटे की क्लास में की समझ, तो 60 घंटा तुम मुझे दे रहे हो सिर्फ किसके बदले में? 5 नंबर एक पैराग्राफ अच्छा लिख दोगे मैं कॉपी में तो 5 नंबर तो मैं तुमको वैसे ही दे दूंगा, तुम इतना घंटा क्यों बात करते हो? तुम अटेंडेंस भी बताओ, तुमको अगर अच्छा लगता है तब क्लास अटेंडेंस की बात देता है, मैं तुमको अटेंडेंस दे देता हूँ, मैं दे भी देता हूँ, क्या तुम्हारी जिसकी मर्जी है हम लोग चले जाओ, मुझे क्या करना किसी को फोर्स नहीं, लर्निंग तो वैसे ही क्लास कॉन्टिन्यूस हो सकता, जबरदस्ती बैठाए रखो सुनाए रखो उनकी मर्जी है तो सुनो, नहीं मर्जी है तो सुनो। यही एलिगेशन क्रिएट कर। और थोड़ा अगर आगे बढ़ के बात में बोलूँ, सच बात यह है कि टीचर सिर्फ उतना पढ़ाता है या वो पढ़ाता है जितना वो जानता है, टीचर वो कभी पढ़ाता ही नहीं जो स्टूडेंट जानना चाहता, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बड़े कठिन होते हैं। और यही वजह ऑलमोस्ट पूरे भारत में क्लासेस जो हैं वो 1 मिनट टीचर बोलेगा स्टूडेंट सुनेगा, हम इसीलिए तैयार कर रहे हैं, इसीलिए तो वो कहता है कि स्टूडेंट के सबसे अच्छे स्टूडेंट होंगे तो सबसे अच्छे गुलाम सुनते रहो, हम जो बोल रहे हैं सुनते रहो, हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहो, कहीं वो पटरी वाले स्टूडेंट ना कर लोगे तो आप उसे खुले हो जाएंगे। तो इसलिए तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा वो बिल्कुल एकदम कलर बदलता है इस समय पर, और आप यही मानिए अगले 10 साल में पूरा सिस्टम चेंज होगा, पूरा क्लास से टीचर को कोई नहीं हिलाएगा, सिस्टम का जो टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल नहीं होगी, जो टेक्नोलॉजिकल इक्विप नहीं होगी टीचर वो ऑटोमेटिक क्लास से कोई सिस्टम नहीं हिलाएगा। आपको याद होगा ब्लैक एंड व्हाइट किसी गवर्नमेंट ने आदेश नहीं किया था कि फैसला निकालो, अब किसी घर में फैसला निकालो आप ना भैया तो नहीं था वो छीन के लगे आपसे, ऐसा भी नहीं था कि ऐसी बात है कि अब ये नहीं रखे देंगे सिस्टम में, उनको क्या करेंगे, नई चीज़ आ गई पुरानी चीज भाव ऐसे ही, जब ये जो साइबोलॉजी आ जाएगी तो बहुत हाई चीज है, और ये ज़्यादा देर नहीं, कितने सालों से हम लोगों के पास मोबाइल आए, ये सारा परिवर्तन है पिछले 8 सालों का है ना।
8 साल को मोबाइल पे काम किया, हर किसी की जेब में क्या है, मोबाइल पर। मैं मान के चल रहा हूँ 5 साल पर उनके वो सारा सिस्टम चेंज कर देंगे। अभी तो 4G में है, फिर 5G, फिर 6G, और क्या क्या है। तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रेटजी कदम आगे रखने के लिए अपने आपको साइबर लॉजी के लिए तैयार करना होगा। बहुत इंफॉर्मेशन का क्रंच है, और सरकार भी है, पिछले 10 सालों से हमने कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं की। वी आर ओनली मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन। हम उसको नॉलेज समझ लेते हैं, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन। वी आर ट्रांसफरिंग ओनली इंफॉर्मेशन। नॉलेज तो कब होती है, जब उसमें जो शब्द होते हैं ना, अभी जो बोलते हैं कि लोकल उसमें बोले। एक जमाने में कंसेप्ट चल रहा था, थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली। फिर भी नया कंसेप्ट आया, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट ग्लोबली। फिर जो सब होता है कंसेप्ट सिंपल सा ही है, थिंक ग्लोबली बट एक्ट ग्लोबली। ग्लोकल एक नया वर्ड निकला है, ग्लोकल GLOCL ग्लोकल, मतलब आपकी सोच जो वो क्या हो, वो इंटरनेशनल लेवल की, ग्लोबल लेवल की, लेकिन उसकी एप्लीकेशन लोकल। बात है कि जिस बच्चे ने सेल कभी देखा नहीं है उसको बढ़ा रहे हैं फॉर एप्पल अपने माने सेल, उसके आसपास की चीजों का। इसीलिए ये सारे सिस्टम जो है हमको थोड़ा सा बैकवर्ड में ले जाते हैं। किताबों की भरमार हो गई, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, गूगल हमारे पास है, लेकिन बच्चों का कॉमन सेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो खत्म हो गया। हर चीज के लिए गूगल पे डिपेंड है। आप असाइनमेंट देते हैं कहाँ से बुक दिलाता है, गूगल से बुक दिलाता है। पोषण एक बात बोलता है प्रॉब्लम, टीचर्स के भी उसमें वाला कुछ लिखा है, शिक्षा में क्रांति नाम की किताब अच्छी, वो कहता है कि बताने में और कहने में कोई खास फर्क, बताने में और कहने में। अगर मैं आपसे कहूँगी गांधी जी के बारे में बताओ, या मैं कहूँ अपने बारे में बताओ, तो आप सब बता दें, क्या बताएंगे आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं वो बता देंगे, आपकी हॉबीज क्या है वो बता देंगे, काम करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अपने बारे में कुछ कहिए, बस तभी कहानी कुछ थोड़ी सी क्योंकि कहिए जो वर्ड है वो कहानी और बताना वर्ड है वो क्योंकि हमको जो प्रमोट करना है वो कहने के लिए करना है, बताने के लिए। हायर एजुकेशन स्पेशली कंस्ट्रक्टिव लेवल सौरभ से अगर मैं बोला था अहिंसा की मीनिंग क्या होती है, गांधी जी ने अहिंसा का मीनिंग किया, क्या मीनिंग आप भी बताइए, अहिंसा क्या समझते हैं। गांधी जी का जो नॉन वायलेंस कंसेप्ट है वो क्या है, हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं, किसी का ये नहीं करना, किसी का वो नहीं करना, बस। लेकिन गांधी जी का ये नहीं मीनिंग थोड़ी है, ये तो जैन ही बोलते हैं, तो जैन धर्म भी बोला था बहुत पहले सर। और देखिए वो करते हैं, वो तो सूर्यास्त से पहले सारा खा लेते हैं, जमीन के अंदर भी कोई चीज नहीं खाते, दूसरे प्रोडक्ट नहीं खाते, तो वो तो बहुत पहले बोल चुके। तो फिर क्या डिफरेंस है गांधी जी है, फर्क इतना सा है जो गांधी जी ने कहा, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर अहिंसा की प्योरेस्ट फॉर्म, ये आप शायद कहीं नहीं बोलते, लेकिन हमने उसको कोई डिसीजन किया नहीं। गांधी की छोटी बात कैसे बोलते, जबकि जैन धर्म बहुत पहले से ही बात बोलता, उसी परिषद फॉर्म यह है कि दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग। ये आपको याद होगा कि मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ कि जब पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की आई थी सेंट्रल में, तब ये हो रहा था कि पीएम कौन बनेगा, तभी हवाई योग के मनमोहन जी जो है ये मनाए गए, कहीं के सांसद थे वो, संसद भवन की बात है, लाइट हेलीकॉप्टर और चलो ऊपर छत पर और रिवॉल्वर निकाल और लगा लिया निकल पड़ी, और कहने लगे कि सोनिया गांधी जी बनेंगी भी है, नहीं तो मैं अपने आप को शूट कर लूँ, उन्हीं को बनाएंगे वो आए और यहाँ कहें प्रिपेयर करें कि पीएम कौन बनेगा, सोनिया गांधी मैं बनूंगी, नहीं तो मैं शूट कर रहा हूँ। पूरे में डर रहा तमाम पुलिस आ गई, भैया आ गया वो गया, लोग डर रहे हैं, मार ना दे, ऐसा नॉर्मल लाइफ में भी होता है, छोटे भी चल रहा है, ठीक लगे। अगर गिर भी जाएगा
या वो गोली मार भी देते किसको नुकसान होगा? खुद को मर जाते, अपने भी नुकसान पहुंचाते ना, किसी दूसरे को तो नहीं मारा, तो आप लोग भी जो अहिंसा की परिभाषा है करोगे लेकिन दूसरे को नहीं मारा। लेकिन इसके बाद वो टेरर उनके इस एक्ट से किसी दूसरे के मन में भय होता है, पब्लिक रोक रही, पब्लिक डर रही। तो गांधी जी ने उसी को बहुत आगे बढ़ाया था कि दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना, यह अहिंसा की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। वो इस पर एक पैसेज करते हैं, कपड़े जो उन्होंने त्यागे थे अपने वो धोती और वो पहनते थे, वो क्या रीजन था उसमें, वो क्यों पहनते थे, सूट बूट पहनते थे? नहीं, ये वजह नहीं था, जॉब है बहुत ही अलग किस्म का।
काम नहीं मिलती, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि भाई जब तुम सोचो तुम स्टूडेंट हो यू शुड ओन योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप स्टूडेंट के यहाँ बैठे हैं क्लास में तो तुमको स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना है। अगर मैं टीचर हूँ क्लास में तो मुझे टीचर की तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील, तुम अपना काम करो मैं अपना, दोनों मिलकर चीजें करने की कोशिश करें बजाय इसके कि हम मन में पाऊँ। तो हम कोशिश ये करें कि उस इमोशनल अटैचमेंट को बना के स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम है उसका हमारे पास उसका इमीडिएट सॉल्यूशन उस टाइम में ना हो, तो कुछ ऐसा होता है जवाब नहीं मिलता है, हम उसको आगे के लिए बढ़ा दें। आज नहीं बताऊँगा तुमको, कल बताऊँगा, कल नहीं बताऊँगा परसों बताऊँगा। और भाई मान भी लीजिए आपको मिला ही नहीं था तो क्लियर भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि मुझे इसका आंसर नहीं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को दबाने की कोशिश सप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर हिम्मत जुटाता है कि जैसे पूछने की तो उसके पीछे उसकी उम्मीद होगी और वो उम्मीद ये होती है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर इस विषय पर मिल जाएगा। वो कई चीज़ों को छोड़कर आपके पास आया और आपने पहले उसको डांट दिया, फिर मेरे तरफ का क्यों पढ़ाते पता नहीं पढ़ाते पेपर टाइम नहीं है क्लास में पूछना, आपने उसकी ट्यूशन की भी क्या कर दी, अब वो दोबारा कभी हिम्मत नहीं जुटाएगा आपसे क्वेश्चन पूछने। तो आप सोचिएगा वो आपको सम्मान दे रहा है क्वेश्चन पूछने, वो इस लायक समझ रहा है कि यहाँ से मेरा आंसर मिल जाएगा। तो अगर कुछ नहीं भी आता है कुछ ऐसा करके कोशिश करनी चाहिए कि आंसर मिल जाए, नहीं मिलता है तो ठीक है बात कर लीजिए किसी और से, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ना करने वाले सब तो नहीं जा सकते ना। मैनेजमेंट में सिखाया जाता है एक कैटेगरी है मतलब कुछ लोगों की, वो कुछ इस तरीके से है कुछ लोग होते हैं जो ये एवरेज है ऑफ एवरीथिंग ऑफ समथिंग, अगेन ये है समथिंग ऑफ एवरीथिंग, और चौथी कैटेगरी है समथिंग ऑफ समथिंग। तीन तरह के लोग हैं यहां पर, समथिंग ऑफ समथिंग कुछ चीजों के बारे में कुछ चीजें समथिंग ऑफ एवरेज, मतलब सब चीजों के बारे में कुछ कुछ जानना, क्योंकि वो जिस स्पीड से आते हैं वो मान के चलिए हर विषय को थोड़ा 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 बढ़ गया, इसलिए यहाँ किया गया समथिंग ऑफ एवरेज ऊपर आ गया एवरेजिंग ऑफ समथिंग। वी आर स्पेशलाइज साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, नैनो टेक्नोलॉजी का अगर कोई साइंटिस्ट है तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानता है, कोई अगर आकर एक्सपर्ट है वो सब जानता है, नेफ्रोलॉजिस्ट है तो नेफ्रोलॉजी की सारी चीजें जानता है। तब तक उन्होंने क्या कहा कि एवरेज ऑफ एवरेज ये एग्जिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वहां नहीं अटे समथिंग ऑफ समथिंग हम भी उसी कह सकते, लेकिन हमारे सोच क्या होती है कि नो एवरीथिंग ऑफ ये हमारी अपने बारे में गलत है कि हम सब कुछ सबके बारे में जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है हम क्या होते हैं हम कुछ के बारे में कुछ जानते हैं। चार कैटेगरी मैनेजमेंट ग्रुप बच्चे सिखाया जाता है, तो हमको भी ये देखना है कि हम किस किस कैटेगरी में पढ़ाओ, रियली किस कैटेगरी में पढ़ाओ। मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी पढ़ा हूँ तो क्या मैं टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और अगर मैं सब कुछ नहीं जानता तो मैं सब कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस कैटेगरी में पहुंच जाऊँ जहाँ मैं एवरीथिंग ऑफ समथिंग करता हूँ, यानी कि ठीक है मैं पूरी मेहनत करूंगा आईसीटी के बारे में हर चीज जानूंगा, और जब मैं जानूंगा तो मेरे स्टूडेंट भी क्या होंगे वो भी जानेंगे। बाय नेचर ऐसा है कि एक अच्छे टीचर का रिफ्लेक्शन उसके स्टूडेंट को दिखाई अगर एक अच्छा टीचर मिल गया तो इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए नहीं, ये बड़ी मुश्किल से होगा। जो सुबह मैंने आपको बताया था कि हम लोग अध्यापक से अगर शिक्षक बनने की कोशिश करें उसका अपना जीवन निकलता है ना बन पाए, लेकिन लास्ट के एक साल भी अगर हमने बिता दिए एज ए शिक्षक तो बहुत है। इंडियन फॉस्टी यही है, अभी तो नॉर्मली आपके स्टूडेंट गुरु जी बोल देते हैं आपसे गुरु जी प्रणाम, अभी नया वर्ड ऑफ तो गया सर जी
चलो भी मुझे से गुरु जी मत कहो यार हमें कुछ मत कहो तुम सही कर रहे हो टैक्स और गुरु जी को करवाना ही बंद कर दिया गुरु जी हम वही टैक्स और गुरु जी जो है ना मजाक उड़ाता है गुरु बेटा वाले गुरु मुझे तो ये लगता है मुझे ये फील होता है यार सर वो बस इसी की बात है तो वो अध्यापक से शिक्षक बनने की प्रोसेस जो है थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो क्लास से बाहर निकलेगी फिर ऐसे भी स्टूडेंट मोटिवेट होंगे आपसे तो आपकी क्लास में नहीं हम लोग भी उसी से मोटिवेट सब आपका मान लो तीन मदर टेरेसा चाहे वो जिनको भी आप मान लो किसी क्लास में नहीं शिक्षक कोई भी हो सकता है उनसे उम्र में छोटा भी हो सकता है उनसे उम्र में बड़ा हो सकता है कोई घटना भी हो सकती है कोई म्यूजिक भी हो सकता है इवन कोई फिल्म भी हो सकती है आपका आपके ढंग का छोटा भाई बहन भी हो सकता है आपके मदर फादर हो सकते हैं आपका दोस्त कोई भी हो सकता है जिससे हमको लाइट मिल जाए जिससे हमको रोशन और ये एनलाइटमेंट क्या है दिस इज नथिंग बट इट कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट बस इसी को और एडिशन नहीं है एनलाइटमेंट का मतलब ये नहीं है एकदम चमक जाएंगे तो बुद्ध को क्या हुआ क्या मतलब बस उनसे पूछा लिया हम लोग इस बात को कहते हैं कि 6 दिन बैठे रहे क्या सोच रहे हैं कौन सा ज्ञान मिल गया हमको ऐसे क्या चीज ऐसी ऊपर से आ गई जो सुबह उठे और कह दिया कि भैया मुझे जो है प्रकाशित हो गया मुझे एनलाइटमेंट मिल गया जो कुछ नहीं बस उनको अपने आप को कंट्रोल करना राइट और रॉन्ग का डिफरेंशिएशन है अगर ये आ जाता है तो हम शिक्षक हो सकते शिक्षक हो जाएंगे तो हमारी इफेक्टिवनेस होगी एक भी आपको अगर शिक्षक आपके जैसा मिल जाता है तो बहुत है तो आगे आने वाले टाइम में जो चैलेंजेस हैं हम लोगों के सामने वो इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेके हैं इस साइबर वॉचिंग ये बिल्कुल 5-6 सालों में आप देखेंगे सुबह में हम लोग हमें एक सिलेबस चेंज हो गया है उसकी बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट हो पढ़नी पड़ेगी और यूज़ भी करनी अच्छा मैं तो ये कहता हूँ कि एस्टिमेट के लिए यूज़ मत करो कम से कम अपने बच्चों के लिए यूज़ अभी तो हालात नहीं हैं घर में मेरे अपने घर में मेरे छोटे भाई के जैसे हैं उनके सिलेबस इतने एडवांस हैं कि उनके बाबा भी बाबा हैं क्योंकि वो तो पढ़े किसी और तरीके से वो तो हमको ही मछली जलगीर आनी है चार भाई बहन हैं उसी पर पढ़ के हम लोग इतने बड़े हो गए मछली जलगीर आनी है अब वो बच्चे पढ़ते हैं लाइन्स स्पेशलाइज लाइन्स किड्स इन स्कूल को सीढ़ी देता है लाइन्स की ऑनलाइन आप कितनी लाइन्स ले लीजिएगा तो उनके और हमारे मेंटल लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हो सकता है कि आप ही ये लोग प्रॉब्लम फेस करें कि बच्चों को हम क्लास में अपने क्लास में छोड़िए अपने बच्चों को नहीं पढ़ा तो ठीक है हम टेक्नोलॉजी को एक्वेटेड हों अपने बच्चों के लिए हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्लास में क्या सब चीज़ें
और कम होगा, अभी और कम होगा, जिस जैसे जैसे मशीन हमारे पास आएगी अभी और कम होगा। प्रॉब्लम कुछ और पड़ेगी, अल्टीमेट गेम को पहुंचना वहीं पड़ेगा कि जहां आपका और मेरा म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, रियल लाइफ में इंटरेक्शन। टीचर समझेगा कि नहीं मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट समझेगा कि नहीं ये भी मेरा टीचर है, जो काम करना है इसके लिए करेंगे, मेरे बारे में नहीं करेंगे। उस दिन तो हम बात करेंगे कि ठीक है वो पुराना सिस्टम हमारा बढ़िया है, बढ़िया था, उसको दोहराएंगे और ये बदल नहीं है।